देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन देश के तमाम राज्यों को करना होगा, निश्चित रूप से करना होगा। लेकिन बिहार सरकार को चाहिए कि लाखों लाख युवाओं के भविष्य की रक्षा करते हुए बीच का रास्ता निकाले और जल्द से जल्द फैसला ले। उपापो की स्थिति है भाई, लोग पढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और 24 तारीख से परीक्षा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षा देने जाएंगे तो रिजल्ट होगा कि नौकरी होगी इसका तो तय नहीं है। और ये तो सोचा होगा कि सेटल हो जाना है। हाँ, रोजगार के बाद तो यही होता है, यही होता ही है रोजगार के बाद जी। तो आप कैसा लग रहा है, आप तो शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है, अब क्या कीजिएगा? अब क्या कहें, 4 साल इंतजार किए, स्टेट पास हो गए हैं और कितने साल पता नहीं सरकार का। ये लाखों युवाओं जो सड़क पर आइएगा डंडा खाना पड़ेगा। डंडा तो ऐसे भी शिक्षक, कोई ऐसा महीना बाकी नहीं कि शिक्षक वैसे डंडा नहीं खाए हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। लगातार ये सवाल उठ रहा था कि क्या बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा हो पाएगी या फिर परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद से ही बीपीएससी काफी एक्टिव हो गया था। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। देखिए, आज भी उन्होंने कई ट्वीट्स किए हैं। देखिए, साफ कह दिया है कि परीक्षा तो अपने तय समय सीमा पर ही होगी, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है बीएड वालों को लेकर। बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीएड वालों का क्या होगा। तो देखिए, आज हमारे साथ इस मौजू पर बातचीत करने के लिए कुछ शिक्षक मौजूद हैं। आपको बता दें कि इन्होंने बीएड कर रखा है और शिक्षक बहाली परीक्षा का फॉर्म भी भर चुके हैं। सबसे पहले तो अपना, अच्छा सोनी ये बताइए, बीएड कर लिया है? हाँ, कर लिया है। मालूम है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? हाँ, क्या आया है? क्या आदेश है? तो वो बीएड वाले को 1 से 5 में बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया है, बोलते हुए कैसा लग रहा है? हाँ, तो बहुत दुख हो रहा है इसमें। दुख हो रहा है? दुख तो हो ही मतलब रहा है। एक महिला है, जाहिर सी बात है कि महिलाओं पर कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, तो वो तो बहुत ज्यादा होता ही, लेकिन फिर भी ये ऐसा आया है आदेश तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर इनको तो अब कुछ भी करना होगा तो सोच के ही। फिर एग्जाम वो ले रहे हैं तो वैसे तो एग्जाम ले लेना तो फिर तो हम लोगों को फिर दिक्कत होता होगा बाद में, तो फिर उनको देख करके लेना होगा ना। ऐसे ट्वीट कर देने से तो फिर हम लोग एग्जाम दे दें फिर बाद में हम लोगों को दिक्कत होगा, तो इसीलिए ये जो भी चीज हो तो सोच के आ रहा है। गुस्सा है कि दुख है? क्या है? दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, दिल टूट गया है। हाँ, तो वो तो सब जितने बीएड वाले हैं सारे लोगों को दुख है ऐसा, क्योंकि तो एग्जाम की तैयारियां भी अब तो शुरू कर दिया होगा। बहुत अच्छा खासा हो भी गया था, हम लोग प्रिपेयर थे एग्जाम देने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं थे। और बीएड करना और डीएलएड करना बहुत का फर्क होता है, बहुत का फर्क होता है। क्या नाम है आपका? शिल्पा रंजन। अच्छा शिल्पा, ये बताइए कहाँ से हैं आप? फतुहा, बिहार से हूँ, पटना से। अच्छा अच्छा, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट का आदेश मालूम है? हाँ पता है। क्या लग रहा है जब आदेश पढ़ा, जब मालूम हुआ, कैसा लगा? बहुत ही दुख हुआ कि हम लोग का तैयारी हो चुका है और हम लोग को बाहर कर दिया गया है। नहीं, अभी बाहर कहाँ किया है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन बीपीएससी ने अभी भी सस्पेंस है। बीपीएससी ने कहा है कि एग्जाम तो होगा लेकिन आप लोगों के बारे में, बीएड वालों के बारे में कुछ खास नहीं पता चला है अभी। हाँ, उन्हें कम एटलीस्ट तो एग्जाम दीजिएगा, वो तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ। और उसके बाद अगर कोई फैसला आता है फिर क्या कीजिएगा? हाँ, रिजल्ट, यही तो बात है कि एग्जाम दे दूंगे और फिर रिजल्ट का क्या होगा, सस्पेंस है। दिल टूटा बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है, मतलब घर परिवार पर भी बात हुई, कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला कि अब क्या ही कर सकती हो, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बट ये चीज तो अच्छा नहीं हुआ है हम लोग के साथ। लड़कियों को काफी कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि परिवार कारणों से, कुछ और कारणों से लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और जब एक बार लड़कियां तैयारी कर रही हैं और उसके बाद अगर ये होता है तो जो सपने हैं वो टूट जाते हैं। ऑफ कोर्स टूट जाते हैं, बट अब क्या ही करें, क्या ही कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार नाम हुआ मेरा। कहाँ से है अभिषेक? नालंदा जिला से। अच्छा, नालंदा से। मुख्यमंत्री साहब के गृह जिला से हैं? जी, वहीं से हैं। तो क्या उम्मीद है फिर मुख्यमंत्री साहब से? मुख्यमंत्री जी से तो यही उम्मीद है कि जो हम लोगों का जो पैसा ऑलरेडी बीएड में लग चुका है उसका जो है वो कुछ मान रखें और उस पर कुछ जो है ठोस निर्णय दें, अपना कुछ अलग से कुछ व्यवस्था करें हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इस स्थिति में है कि अगर नहीं कुछ होता है तो हम लोग बीच मझधार में फंस जाएंगे, न घर का न घाट वाली स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में एग्ज़ाम अभी माननीय
न्यायालय ने एग्जाम के लिए तो कुछ इस तरह का निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि नहीं एग्जाम हम लेंगे, लेकिन एग्जाम लेने के बाद इसका निर्णय क्या होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, इस पर जो है किसी तरह का बात स्पष्ट वो नहीं कर पाए हैं। बीएड वालों के लिए क्या होगा कुछ स्पष्ट नहीं किया जी अभी फिलहाल, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि हम लोगों के लिए जो है वैलिड नहीं है, तो वैलिड नहीं है ये बात एनसीटी को पहले ही से पता था कि 2018 से एक केस चल रहा है, तो एनसीटी को चाहिए था कि पहले से वो जो है अपने बात को क्लियर कर दें, ताकि हम लोगों को अगर पता रहता कि हाँ मान लीजिए कि ऐसा करने से हम लोगों तो हम लोग डीएलईडी कर लेते हैं, हम लोग बीएड नहीं करते। अब जो है ऐसा स्थिति आ गया है कि हम लोग बीएड कर लिए हैं। जिम्मेदार कौन है अभिषेक? जिम्मेदार मुझे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अभी एनसीटीई वालों की ज्यादा लग रही है। अच्छा। क्योंकि ये न्यायालय का मामला था तो न्यायालय में तो पहले से चल रहा था। सरकार की जवाबदेही? सरकार की जवाबदेही ऑब्वियस एकदम सरकार की जवाब क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सरकार के ही माध्यम से सारा कुछ चल रहा है, तो सरकार तो ऑब्वियस बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसमें। लेकिन एनसीटी जो है मेन शिक्षक व्यवस्था की जो संस्था होती है वो एनसीटी, तो ज्यादा जिम्मेदारी एनसीटी को है और वो अभी अपना स्थिति को क्लियर करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। दूसरा है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं जी। और दूसरा ये है कि अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 20 तारीख को सीटेट का एग्जाम है, और वो पहले वाले जो सीटेट हैं उसका तो वो सारा सर्टिफिकेट वो इनवैलिड कर दिए हैं, और अभी तक वो इस बात को क्लियर नहीं किए हैं कि अगला जो सीटेट जो एग्जाम देने जा रहे हैं कैंडिडेट उनका क्या होगा। उन लोगों को तो कह दिया गया है कि 1 से 5 तक का एग्जाम देना है, तो अगर वो एग्जाम देंगे वो अपना मेहनत लगाएंगे। अब मान लीजिए कि निका सेंटर जो है कहीं और दे दिया है, वो तो अपना पैसा और बिल्कुल। अच्छा ये बताइए अभिषेक, गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, गुस्सा तो ऑब्वियस किसी को भी गुस्सा आएगा, अब इतना ज्यादा समय भी बर्बाद हो गया। परीक्षा की तैयारियां भी कर ली होंगी अब तो? हद तक से बहुत ज्यादा हो गया था, हद तक से बहुत ज्यादा हो गया था। अब अंतिम पड़ाव में था कि उस चीज को मतलब एकदम ऐसा तैयारी था कि गर्दा छुड़ा देना था। जी जी एकदम वैसा तैयारी था। जो है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वफा करके भी जो है कुछ नहीं मिला। जी जी एकदम वैसा। लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारना है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन बीपीएससी ने अभी ऐलान नहीं किया है कि क्या होगा। तो साजिद ये बताइए कि अब सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए सरकार से तो यही उम्मीद है कि वो थोड़ा पहल करे, थोड़ा एक्टिव मूड में आए, और जो शिक्षा विभाग है एक्टिव नहीं रहती है क्या सरकार? नहीं नहीं, मतलब जो शिक्षा विभाग है जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है, तो शिक्षा विभाग और एनसीटी का जो गाइडलाइन है वो लोग आपस में तालमेल मिलाए और क्या करना है, डबल बेंच में जाना है क्या करना नहीं करना, तो उस पर कुछ अपना मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इंटरवीन करे और स्पष्ट बताए कि आखिर क्या करना है। क्योंकि हम लोग फंसे हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि हम लोग का तैयारी एक लेवल से आ गया, क्योंकि अभी 7-10 दिन बाकी है, पेपर लोगों को लग रहा है कि नहीं क्या होगा नहीं होगा, संशय बना हुआ है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाए। बहुत लोगों ने ये भी सोच लिया होगा कि अब तो बस परीक्षा देना है, टीचर बनना है, फिर शादी भी आकर लेनी है। अब जब इतनी बड़ी सोचा था, बिहार का सबसे बड़ा आयोग पेपर सोचा था ऐसा। देखिए शादी ब्याह तो एडिशनल चीजें हैं, वो सबका पर्सनल खुद का अपना अपना व्यू है, उसके बारे में सब अलग अलग सोचते हैं, पर बिहार का सबसे बड़ा ये तो सोचा होगा कि सेटल हो जाना है। हाँ, रोजगार के बाद तो यही होता है, यही होता ही है रोजगार के बाद जी। तो आप कैसा लग रहा है, आप तो शादी पर भी खतरा मंडरा रहा है, अब क्या कीजिएगा? अब क्या कहें, 4 साल इंतजार किए, स्टेट पास हो गए हैं, और कितने साल पता नहीं सरकार का, और ये परीक्षा 24 तारीख को में भी होगा या नहीं होगा इसका भी अभी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, कैसा लग रहा है जब बोलते हैं, जाहिर सी बात है जब हम ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो हमको जब ऐसा लग रहा है तो आप लोगों को कैसा लग रहा होगा? बहुत बुरा लग रहा है, अंधकार में जिंदगी हो जाएगा। 4 साल 2019 में स्टेट पास हुए, उसके बाद फिर इतना निकाले, वेट करें मेरिट में हम लोग आगे थे, उसके बाद भी फिर से परीक्षा ले रहा है बीपीएससी की, उसके जी किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो ऊपर से आया है गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट का, और स्टेट का हम लोग जो मेरिट में आए हुए थे तो सरकार उसी वक्त अगस्त में ही हम लोग का ज्वाइनिंग दे देते, लेकिन फिर से एग्जाम ले रहे हैं। जी, क्या ये मनीष पांडे नाम हुआ मेरा। अच्छा मनीष, ये बताइए कि अब सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए सरकार से अभी हमको ये चाहिए कि सरकार अभी तो जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है जैसे 1 से 5 वाले के बीएड के लिए, अगर जिनके पास सीटेट नहीं है और सीटेट इनवैलिड है
वो अगर बैठेंगे तो उनके पास क्या होगा, अंतिम उनको बाहर कर दिया जाएगा। अभी जो रूल है जो सुप्रीम कोर्ट का, सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए। सरकार से ये चाहते हैं कि समवर्ती शिक्षकों की का ये है, सरकार कोई रूलिंग आए जिसमें बीएड के लिए या तो कोई केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे या राज्य सरकार वैसा कुछ कानून बने जिसमें बीएड के लिए भी रिलीफ मिले और पता चल जाए कि आखिर क्या होगा। अच्छा ये बताइए कि सरकार ने बात नहीं मानी, कुछ स्पष्ट नहीं किया, तो फिर क्या कीजिएगा? सरकार ने अगर बात स्पष्ट नहीं मानी तो फिर स्थिति तो अब उनके स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ रहा नहीं अभी तक, जो भी अभी तक है सरकार, अभी जो तक कोई किसी भी अगर सरकार के रूप में किसी ने अभी स्पष्ट कोई भी जवाब किसी का नहीं आया है। और सरकार जो है अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि इसको डाइल्यूशन के मूड में है कि ना इधर कुछ बोल रही है ना उधर कुछ रही है, बच्चा सब कुछ दिन तक चिल्लाएं उसके बाद डाइल्यूट कर दें मुद्दा को, लेकिन डाइल्यूट कर देंगे अभी तो डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन बाद में अगर कोई पास हो जाता है 1 से 5 में बीएड वाला पास हो जाता है फिर तो वो बाहर हो जाएगा। जैसे अपियरिंग में जो सीटेट नहीं क्लियर किया उसका रिजल्ट भी आएगा तो बाहर हो जाएगा। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है करने के लिए छात्र नेता सौरभ भी है। सौरभ सबसे पहले ये बताइए आदेश को कैसे देखते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन देश के तमाम राज्यों को करना होगा, निश्चित रूप से करना होगा, लेकिन बिहार सरकार को चाहिए कि लाखों लाख युवाओं के भविष्य की रक्षा करते हुए बीच का रास्ता निकाले और जल्द से जल्द फैसला ले। उपापोह की स्थिति है भाई, लोग पढ़ रहे हैं इंतजार कर रहे हैं और 24 तारीख से परीक्षा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षा देने जाएंगे तो रिजल्ट होगा कि नौकरी होगी इसका तो तय नहीं है। और बीपीएससी के चेयरमैन देख लिए ट्वीट कर रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाइए परीक्षा लेंगे, और आज ट्वीट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी तो है। निश्चित रूप से सरकार के बड़े स्तर पर शिक्षा मंत्री को बीच आना चाहिए और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि लाखों लाख युवाओं के भविष्य की देख रखते हुए नया 2024 में चुनाव या 25 में चुनाव है, क्या युवाओं के भविष्य का इसी प्रकार से कि 4 साल से लोग बीएड किया हुआ है, सीएटी थ्रीएड पास है, बीटेड पास है और लोग घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर कुछ स्पष्ट नहीं होता है तो फिर आगे क्या होगा? नहीं अस्पष्ट तो हो जाएगा ना, अस्पष्ट तो एक ही चीज होगा, या तो आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, नहीं तो कोई बीच का फिर रास्ता आप निकालना चाहते हैं। तो युवाओं के इंतजार अभी तक आपके है, ट्वीट पर नहीं जाइए, ट्वीट तो लोग देख समझ चुके हैं, कल ट्वीट देखे आज भी ट्वीट देखे, तो ट्वीट नहीं देखना है, माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से निर्देश मुख्यमंत्री को करना है। बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है, शिक्षा विभाग को फैसला शिक्षा विभाग को करना है न कि बीपीएससी को। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी जो जाति और धर्म पर बड़ा बड़ा व्याख्यान दे रहे थे, कहाँ गया आपका जाति और धर्म? आइए और सीधे सीधे युवाओं की भविष्य की बात है। आप कह रहे थे कि 4 लाख शिक्षक बहाली करेंगे, आप 1,70,000 पर आ गया। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि 6ठे चरण के बाद 7वें चरण की वैकेंसी पर लटका दिए, 1 साल तक लगातार प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, और बीच बात में जब अब आ गए नियुक्ति की बात तो यही बात। देखिए 6 to 8 में 0 सीट है, 1 to 5 में क्या है? आप चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री आए खुलकर बताएं कि आगे क्या? शिक्षा मंत्री को बिल्कुल आना पड़ेगा और आज कल तक उनको परसों तक बयान देना पड़ेगा निश्चित रूप से। हाँ अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे छात्र परीक्षा सड़क पर आपके चैनल के माध्यम से हम फिर सड़क पर आएंगे। हाँ। क्यों नहीं आएंगे? ये लाखों युवाओं जो सड़क पर आइएगा डंडा खाना पड़ेगा। डंडा तो ऐसे भी शिक्षक कोई ऐसा महीना बाकी नहीं कि शिक्षक वैसे डंडा नहीं खाए हो, मतलब तैयार है। हाँ तैयार है सब। साफ नहीं होता है कुछ भी तो देखिए साफ साफ बोल रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं, खुला अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कल तक आपको अपनी स्थिति को अपने फैसले को स्पष्ट करना ही होगा और अगर कुछ नहीं साफ किया तो फिर हम सड़कों पर आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।